हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने बालों के लिए कोई ऐसा रेमेडी ढूंढ रहे हैं जिसे यूज करने के बाद बालों की लंबाई तेजी से बढ़ने लगे? अगर हाँ तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप अपने बालों को बहुत तेजी से लंबा कर पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक ऐसा रेमेडी आपसे शेयर करने वाली हूँ, एक ऐसा तेल के बारे में आपको बताने वाली हूँ जो आपके बालों की लंबाई को बहुत तेजी से बढ़ाने में मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, इसे कैसे बनाना है, किन किन चीजों का यूज करना है, कब कब इस तेल को लगाना है, वो मैं आपको बताऊंगी। बट उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे मेन जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होंगे वो है अदरक एंड लहसुन। जी हाँ फ्रेंड्स, अदरक एंड लहसुन ऐसे इंग्रेडिएंट है, ऐसे चीज है जो हमारे बालों की लंबाई को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा असरदार होते हैं, बहुत ज्यादा कारगर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको 2 इंच के करीब अदरक ले लेना है एंड उसे अच्छे से कद्दूकस कर लेना है, या फिर मिक्सी के जार में डालकर आप उसे पीस भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसे कद्दूकस कर रही हूँ, क्योंकि कद्दूकस करने में ज्यादा आसानी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इसका हमें सिंपल सा चीज हमें चाहिए, वो है पेस्ट। इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। इसी तरह हमें लहसुन को भी अच्छे से कद्दूकस कर लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है, लहसुन आपको 1 या 2 कली ही लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, उससे ज्यादा आप यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है। बहुत ज्यादा मात्रा में अगर हम इसे यूज कर लेते हैं तो ये हमारे स्कैल्प के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो इसलिए आपको सिर्फ 1 से 2 कलियां ही लेना है एंड उसे अच्छे से पेस्ट तैयार कर लेना है। एंड अदरक के एंड ये दोनों ही पेस्ट, अदरक का पेस्ट एंड लहसुन का जो पेस्ट है, इसे आपस में मिक्स कर देना है एंड इसे कोई स्टील के बर्तन में ट्रांसफर कर लेना है। ये दोनों ही चीज हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा असरदार होते हैं। इनफैक्ट ये हमारे हेयर फॉल को फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद ही पूरा पूरी खत्म कर देगा, हेयर फॉल होंगे ही नहीं हमारे बालों से। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमें अगला इंग्रेडिएंट डालना है, नारियल का तेल। क्योंकि ठंड का मौसम है तो इसलिए ये जम गया था, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ 1 चम्मच ही नारियल का तेल डाल रही हूँ। आप चाहे तो 2-3 चम्मच नारियल का तेल यूज कर सकते हैं। जितना ज्यादा मात्रा में आप यहाँ पर तेल यूज करेंगे उतना ज्यादा दिन तक आप इसे स्टोर कर पाएंगे, दैट मीन्स ये जल्दी खत्म नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन सारी चीजों को अच्छे से आपको एक बार चला लेना है एंड उसके बाद हमें यहाँ पर इसे डबल बॉइलिंग मेथड से गर्म करना है। लगभग 15 से 20 मिनट के लिए इसे पकाना है। अगर आप चाहें तो इसे हाई फ्लेम पर भी पका सकते हैं, क्योंकि हम डबल बॉइलिंग मेथड का यूज कर रहे हैं तो इसलिए इसके गुणवत्ता में बिल्कुल भी कमी नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसे हाई फ्लेम पर अच्छे से पका रही हूँ एंड लगभग 15 से 20 मिनट पकाने के बाद ही ये तेल बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाता है। अदरक एंड लहसुन का सारा गुण इस तेल में आ जाएगा एंड उसके बाद हमें बर्नर ऑफ कर देना है। आप ये देख पाएंगे कि इस ऑयल का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ग्रीन कलर में बनकर तैयार होगा एंड जब आप इसे यूज करेंगे तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, हमारे हेयर फॉल बिल्कुल कम हो जाएंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आप ये नोटिस कर पाएंगे। 15 से 20 मिनट डबल बॉइलिंग मेथड में पकाने के बाद आपको इस तेल को छान लेना है, कोई भी छलनी की मदद से या फिर कपड़ा की मदद से। ये जो तेल मिला है यही तेल हमें अपने बालों पर यूज करना है। बट फ्रेंड्स, कभी भी आप कोई भी तेल को गरम गरम, बहुत ज्यादा गरम गरम यूज मत कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे बालों को डैमेज कर सकता है। तो जब ऑयल ल्यूक वर्म रहे उसके बाद ही आपको इस तेल को अपने बालों पर अप्लाई करना है। बट फ्रेंड्स, अभी ये लगाने के लिए, अपने बालों पर अप्लाई करने के लिए रेडी नहीं हुआ है, इस पर हमें 1-2 और इंग्रेडिएंट्स ऐड करने होंगे। अगला इंग्रेडिएंट यहाँ पर हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब एलोवेरा जेल। कोई भी ब्रांड का आप जो मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल होते हैं वही एलोवेरा जेल ले लीजिए एंड इन दोनों चीजों को आपको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। अगला इंग्रेडिएंट हमें ऐड करना है विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल हमारे स्कैल्प पर नए नए छोटे छोटे बालों को उगाने में मदद करता है एंड हेयर ग्रोथ में तेजी लाता है, बालों की लंबाई को बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको 1 कैप्सूल यहाँ ऐड कर देना है एंड इन सारे चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि ये सारे चीज, ये जो तेल हमें मिला है वो एलोवेरा जेल एंड विटामिन ई कैप्सूल का जो तेल है वो सारे ही चीज एक सार हो जाए, ऐसा लगे कि सारे चीज एक ही है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस ये हमारा पेस्ट जो है ये बनकर तैयार हो गया है। यही हमें अपने स्कैल्प पर, अपने हेयर लेंथ पर, हेयर एंडिंग्स पर अप्लाई करना है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, हेयर फॉल तुरंत से कम हो जाएंगे एंड जैसे जैसे आप इसे यूज करते जाएंगे बालों की लंबाई बहुत तेजी से बढ़ेगी।
चाहे जितने भी ज्यादा बाल रूखे हो गए हैं तो वो रूखापन भी खत्म हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स, ये जो पेस्ट हमारा बनकर तैयार होगा इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी महीनों तक बिल्कुल खराब नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार ज्यादा मात्रा में ही बना लीजिए एंड इसे लगाना स्टार्ट कीजिए। फ्रेंड्स, इस रेमेडी को आपको वीक में सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन यूज करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रेमेडी है। तो इसलिए आपको अगर एक दिन आप यूज करते हैं तो इतना सफिशियंट है हेयर फॉल को कम करने के लिए, हेयर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो आई थिंक मैंने सारा चीज आपको क्लियरली बता दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।